हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। सो अभी बज रहे हैं सुबह के 9:45 और आज हम जा रहे हैं, मैं जा रही हूँ अपने मायके। यहाँ से गढ़वाल का सफ़र, हल्द्वानी से गढ़वाल तक जाएंगे हम। और सुबह यहाँ पे दाल चावल रख रही हैं, माश की दाल रास्ते में फेंकने के लिए, बुरे साये पे फेंक देंगे इसको। ये तो होता नहीं है कोई छल, नदी आएगी ना घाट। हमने फेंका था ना परसों खेरना में, जहाँ पर मेन होता है सब फेंकते हैं तुम्हारे, अलग अलग लगते हैं वहाँ पर फेंकना। मैं ऐसी रेडी हुई हूँ क्योंकि बाइक में साड़ी में दिक्कत हो जाएगी, सूट में भी दिक्कत ही होगी, ठंड है इसलिए। तो चलते हैं हम गढ़वाल की तरफ, मेरी बाइक की तरफ, और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ आपसे मिलने के लिए, बहुत खुशी है। तो जाने की तैयारी हो गई है, सुबह के 10 बज गए हैं लगभग, टीका लगाते हैं और निकलते हैं। तिलक को तिल बोलते हैं, तिलक प्रणाम। तो हम आ गए हैं अभी भीमताल वाली रोड पे, यहाँ पे अब ठंड भी बढ़नी शुरू हो गई है और पहाड़ियाँ भी आनी शुरू हो गई हैं ऊंची ऊंची, और अपनी तरफ के डिस्टेंस बोर्ड देख के, गैरसैंण वाले बोर्ड देख के, रानीखेत वाले बोर्ड देख के खुशी मिल रही है दिल को। भीमताल की ग्राफिक एरा का ब्रांच, स्वाति का कॉलेज है ये, हमारे ननद का कॉलेज है। बाय सत्तू, स्वाति चल यार, स्वाति आजा, दुलाल भाई चलो चलते रानी खेत को, आ जाओ। तो अभी हम पहुंच गए हैं भवाली में, और इसके बाद आएगा कैसे धाम, वहाँ भी दिखाएंगे आपको, दर्शन तो हम नहीं कर पाएंगे अभी, दूर से कर लेंगे आज दर्शन। तो अभी हम पहुंच गए हैं कैची धाम, ये है कैची धाम की पार्किंग, और आगे है मंदिर। यहाँ तो रोज भीड़ ही रहती है हमेशा, के बाहर प्रसाद वगैरह शॉप्स। तो हम पहुंच गए हैं गर्म पानी, यहाँ से पियेंगे हम चाय, थोड़ी चाय की चुस्की लगाते गर्मा गर्म, फिर चलते थे हम, बहुत डर लग गई। These
कितनी खूबसूरत लग रही है। चौरा एरिया है ये पूरा, है ना? आगे है एक मंदिर, यहाँ पे ज़्यादातर स्टूडेंट की भीड़ रहती है क्योंकि यहाँ पे इंजीनियरिंग कॉलेज है। ये रहा मंदिर। अभी हम पहुँच गए हैं चकुटिया, ये है चकुटिया की पुल और नीचे है रामगंगा नदी, और यहाँ से बस अब आधे घंटे का सफर और बाकी है घर तक। तो ये है अपना इलाका, खूबसूरत, बहुत खूबसूरत और बहुत 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 ज़्यादा खूबसूरत। तो ये है गेवाड़ घाटी, यहाँ आजकल गेहूं के खेत हुए हैं, खूबसूरत लग रहा, बहुत वाह मज़ा आ गया। जस्ट लुकिंग लाइक अ वाह, बहुत ठंडे दिल को ना कुमाऊं सीमा समाऊं। तो ये रहा सामने पे मेरा गांव, और मैं कुलचा खा रहा हूँ, उनको तो भूख लग गई चलते चलते चलाते चलाते। चलो मेरी दादी देख रही छत में है, और यहाँ है हमारा घर, दादी घूम रही है छत में, मुझे पता है यही नज़र होगी दादी की। कब भट भट करता हुआ एक लड़का आएगा मेरी नातिनी को अपने साथ लाएगा। फाइनली पहुँच गए हम हल्द्वानी से चमोली, फाइनली पहुंच गए हम घर पे, यहाँ होगी माँ दादी अबुआ अड़ुआ। तो पहुंच गई मैं अपने घर पे, ये इतनी खुशी इतनी खुशी इतनी खुशी। okay. पहाड़ी बाखली घूम के आ गए हैं दादा, ये दादा बोले मुझे क्या लाए।